63वें गणतंत्र दिवस की। शहर में 63वें गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गोपाल मैदान में उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया और झारखंड को सोने का चिड़िया बनाने की घोषणा की है। गणतंत्र दिवस और नववर्ष के शुभकामनाओं के साथ गोपाल मैदान में उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। उससे पूर्व उन्होंने जैप झारखंड आर्म्स फोर्स महिला बटालियन जिला बल रैफ परेड का निरीक्षण किया। पराक्रम नंबर 2 जैप में झारखंड आर्म्स फोर्स सदस्यों की संख्या में बच्चे जिनका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर बैठना। इस बीच विभिन्न स्कूल के छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। साथ ही रण कौशल को दर्शाने के लिए युवतियों ने मार्शल आर्ट के कर्तव्य दिखाए। हमारी लाडली लक्ष्मी के शक्ति का प्रदर्शन देखे वहीं विभिन्न विभाग और संस्थाओं ने भी झांकी निकाली। अधिक मात्रा में वृक्षारोपण का सामूहिक अभियान जबकि सेल्फ डिफेंस के लोगों ने आपदा के समय नागरिकों को बचाने का डेमो दिखाया। लगता है लोग घायल हो गए हैं, घर गिर गया है और इस मौके पर हमारे सिविल डिफेंस के नौजवान आप देखे वहां पहुंच चुके हैं। ये जो झांकी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, हमारा सिविल डिफेंस इस शहर में हर जगह मुस्तैद है अपनी सेवा के लिए। सकते हैं ये दिखाया जा रहा है, ये फायर एक्सटिंग्विशर से जहां की आग को बुझा देर में पहुंचेगा। पहले सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा नागरिकों के द्वारा संचालित है। हमारा सौभाग्य है हमारे डिप्टी कमिश्नर। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न बलों की सलामी ली और अपने अभिभाषण में कहा कि आज से राशन कार्ड बांटा जा रहा है, गरीबों को 50 पैसा किलो नमक दिया जाएगा, वे झारखंड को सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगे। इस पावन अवसर पर आइए सबसे पहले हम सब शहीदों को नमन करें। उनके बलिदानों और संघर्ष से ही सन 1950 में आज के दिन भारतीय संविधान को हमने अपनाया। संविधान से मिले अधिकार के साथ कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की शपथ लेने का यह दिवस है। हमें भारतवर्ष की फिर से सोने की भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है और अपने प्रदेश को आपसे मतभेद को भूल हमें स्वस्थ और विकास की और अग्रसर समाज के निर्माण में योगदान करना है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सारे नागरिक अपने भारतीय सेना के प्रति सम्मान और एकजुटता का इजहार करते हैं। देश ग्राम सड़क योजना द्वारा इस वित्त वर्ष में 3000 किलोमीटर पथ का निर्माण कर 1200 गांव कोले का जोड़ने का लक्ष्य है। अभी तक 850 किलोमीटर पथ निर्माण कर 360 गांव कोलों को जोड़ा जा चुका है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 6526 एसएचएस ग्रुप को सक्रिय निधि प्रदान की गई है तथा 4145 स्वयं सहायता समूह के आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा गया है।
झंडोत्तोलन के बाद उपमुख्यमंत्री ने राशन कार्ड बांटे, स्वतंत्रता सेनानियों को साल उड़ाकर सम्मानित भी किया, साथ ही रंगारंग कार्यक्रम में लगी छात्राओं को पुरस्कार भी दिए। पचास पैसा प्रति किलो के दर से प्रत्येक परिवार एक किलो आयोजन युक्त नमक वितरण का शुभारंभ भी आज मोदी द्वारा सम्मानित संगठन के अध्यक्ष चंद्र भट्ट जी, चंद्र कुमार मिश्रा जी, अपनी परिषद झा जी, दूसरी ओर टाटा स्टील कंपनी परिसर में एचआर बीपी मिश्रा ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने देश के शान तिरंगे को सलामी दी। इस बीच कंपनी ने सशस्त्र बलों ने भी परेड के साथ सलामी दी। परेड में फायर ब्रिगेड के जवान और श्वान दस्ता भी शामिल हुए। पंच के सामने पहुंच रहा है। अभी हमारे मुख्य अतिथि हमारे जितने कर्मचारी हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि आम साल के तुलना में इस साल भी हमारा उत्पादन जो है जो काफी अच्छा रहा। यदि खेल का कुछ विषय है वह है सुरक्षा के क्षेत्र में, जहां हम अभी तक खड़े नहीं उतरे हैं और घातक दुर्घटनाओं पर काबू नहीं पा सके हैं। यूं तो विश्व का ज्यादातर देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, मगर यह खुशी की बात है कि हमारा जो प्लांट है यहां इंडिया का जो ऑपरेशन है, जिसमें हम तेजी गति से अपने एक्सपेंशन में ग्रोथ प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। 3 मिलियन टन की में जो जितनी इकाइयां लगाई जाएंगी, उसमें सबसे पहला हाइड्रोजन प्लांट का प्रोडक्शन चालू हो गया है और कुछ ही महीनों में ब्लास्ट फर्नेस, हमारा स्टील मेल्टिंग शॉप है और रोलिंग मिल्स है और भी जो यूनिट लगाए जा रहे हैं, ये जल्दी ही कमीशन्ड हो जाएंगे। वहीं उपायुक्त हिमानी पांडे, एसएसपी अखिलेश कुमार झा, एसडीओ सुबोध कुमार ने अपने कार्यालय के सामने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने तिरंगे को सलामी दी। जिला परिवहन कार्यालय के सामने भी झंडोत्तोलन किया गया।